आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि इसका असर लोगों के लिए प्रतिनिधित्व के अधिकार पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, पीठ ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए अनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखने की बात कही और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि विपक्षी दलों की आवाज को बाहर करना एक गंभीर मसला है। ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट का कहना था कि उन आवाजों को संसद से बाहर नहीं करने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित किए जाने के राज्यसभा सचिवालय के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जाता है, क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी है? क्या आप सांसद के सदन से माफी मांग लेने से निलंबन रद्द हो सकता है? ये सवाल करने के साथ ही कोर्ट ने राघव चड्ढा के वकील और अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी को संक्षिप्त दलीलें जमा करने को कहा है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अगस्त में चड्ढा को निलंबित किया गया था। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। राघव चड्ढा की तरफ से दलील दी गई कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी है तो नियम 256 के तहत उन्हें सिर्फ उसी सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने कहा कि यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले राघव चड्ढा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।